महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत चंपावत के श्यामलाताल क्षेत्र में एक ग्रोथ सेंटर का निर्माण किया गया है, जिसका संचालन शुरू हो गया है। आने वाले समय में किस तरह ये ग्रोथ सेंटर स्थानीय महिला समूहों और किसानों को लाभ पहुंचाएगा और विभिन्न विभागों के स्तर पर यहां से संचालित योजनाओं की जानकारी देने के लिए यहां एक गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। गोष्ठी में ग्राम्य विकास विभाग, जिला उद्यान विभाग, विकास विभाग एवं स्थानीय महिला समूह, किसानों, काश्तकारों के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। जैसा कि हमारा श्यामलाताल ग्रोथ सेंटर है, यहाँ पर शहद प्रोसेसिंग यूनिट और मसाला प्रोसेसिंग का प्लांट लग रहा है, जिसको यथाशीघ्र क्रियान्वित रूप में आना है। इसमें तो ये हमारा शहद और मसाला दोनों के लिए यहाँ पर उत्पादन बहुतायत में होता है, और जो हमारे समूह की महिलाएं या जो हमारे जन सम्मानित जनप्रतिनिधि लोग हैं, इनके साथ ये हुआ है कि यहीं का उत्पाद यहीं पर हम प्रोसेसिंग करेंगे, यानी बमन जोन लाइ पंचायत का पूरा हम यहाँ प्रोसेसिंग करेंगे, जिससे इनका वैल्यू एडेड करके इनके उत्पाद को अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त हो। इस दौरान स्थानीय उत्पादकों की विभिन्न समस्याओं को भी सुना गया। आपको बता दें कि यहां से शीघ्र ही गांव में मौन पालकों को प्रशिक्षण देने के साथ ही मौन बॉक्स और अन्य सामग्री, सब्जी के बीज और फल पौध उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही किसानों को ग्रोथ सेंटर में अपने उत्पादों को बिक्री करने की सुविधा भी दी जाएगी। ग्रोथ सेंटर हम लोगों ने बनाया है जो मधुमक्खी के हनी का और स्पाइसेस का, तो उसी को शुरू करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। वैसे तो ग्रोथ सेंटर के इतर जो है यहाँ पर काफ़ी मसालों का प्रोडक्शन हो रहा है और उसे बेचा भी जा रहा है, जो शहद है वो भी बाहर से बेचा जा रहा है, परंतु यहाँ पर एक प्रोसेसिंग प्लांट हमने लगाया है ताकि जो शहद की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके और समूह के माध्यम से इसका विपणन किया जा सके। चंपावत से न्यूज स्टूडियो के लिए संदीप कुमार की रिपोर्ट। बिल्कुल भी इसके अंदर जो है आपको बाहर से नहीं लगता।